कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अर्जुन आज का जो युग चल रहा है वो द्वापर युग चल रहा है। कौन सा? द्वापर में हुआ था महाभारत का युद्ध। बोले तू ऐसा कर, अपने कमान में से एक बाण निकाल, पहला बाण अपनी माता पर चला दे, दूसरा अपने पिता पर, तीसरा अपनी बहन पर और चौथा बाण अपने भाई पर चला दे। क्या तू ऐसा कर सकता है? रोने लगते हैं अर्जुन, कहते प्रभु जिस माँ ने 9 महीने मुझे अपने पेट में जगह दी है, मैं उस पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ, उस पर बाण कैसे उठा सकता हूँ? बोले अगर तूने आज ऐसा ना किया तो आने वाला जो कलयुग है, जो इस समय चल रहा है, इससे भी ज्यादा भयानक होगा। कलयुग में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी आज तुझे इस भजन के माध्यम से समझा रहा हूं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उस भजन के माध्यम से समझाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं अर्जुन के। भाई आइए भजन को बात ना करें, इसे ध्यान से सुने, क्योंकि मैं विश्वास दिलाता हूं अगर भजन को ध्यान से सुन लिया तो आप अपने दिल को रोक नहीं पाओगे। और बात क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है अन्याय और अधर्म से भरा, अब कलयुग आने। आइए, क्या तुम्हें पता है अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है अन्याय और अधर्म से भरा, अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान उस अर्जुन को क्या समझा रहे हैं इस भजन में? ना पुत्र पिता की कदर करे भैया, भैया को मारेगा भैया, ना पुत्र पिता की कदर करे भैया, भैया को मारेगा भैया, भैया को मारेगा भैया, भैया को मारेगा, ना पुत्र पिता की कदर करे। इनसे कह दो जलूसी आ गई है, देखो क्या ट्रेन में बैठी है। क्योंकि दो लोगों से बड़ा डर लगता है, एक घूंघट वालियों से और एक चश्मे वालियों से, पता ना कब नींद पूरी करना है अपनी। इस समय आराम से ऐसे बैठी होंगी ये, जैसे ट्रेन में बैठी है और ट्रेन चल रही है धक धक उधर की बिरारी। हाँ खूब सो रही है आराम से। सुने ध्यान से, ना पुत्र पिता की कदर करे भैया, भैया को मारेगा भैया, भैया को मारेगा भैया, भैया को मारेगा। और भाई पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मैया को मारेगा, बेटा मैया को मारेगा, बेटा मैया को मारेगा।
सतयुग में भगवान बिकेगा, कलयुग में भगवान बिकेगा, कलयुग में भगवान बिकेगा, कलयुग में। कौन सा इंसान मिला था सतयुग में? कौन सा इंसान मिला था? बच्चे है देखो, धर्म के प्रति जागरूकता। एक बार ताली बजा दो जोरदार। दिल को खुशी होती है जब कोई अपने धर्म के बारे में जानता है। तो ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में और भगवान बिकेगा। है जी ने बताया राजा हरिश्चंद्र है जी, काशी के राजा हरिश्चंद्र चौराहे पर खड़े होकर बिक जाते हैं, कहते हैं मुझे खरीद लो, बच्चों को खरीद लो, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य का साथ दूंगा। है जी, और हमारा भगवान का बिक रहा है बाजारों में इस कलयुग में। बताऊंगा कैसे, ज्ञानी की कदर कैसे नहीं है भाई साहब। भैया ने चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ली हो, बीए एमए एमएससी बीएससी सुपर टेट पैट कुछ भी कर लिया हो है जी, लेकिन एक इनका मित्र 80 रुपए का देसी का चढ़ाकर आ जाए तो ये बताओ आपकी चलेगी या उसकी चलेगी? 80 वाले की। आपको पीछे छुड़ाना भारी पड़ जाएगा, बोले भाई साहब मैं तेरे सामने अनपढ़ हूं, तू ही पढ़ा लिखा है मेरे सामने, लेकिन मेरा पीछा छोड़ आपको। तभी तो कहते हैं ज्ञानी की कदर नहीं, आपको इतना ज्ञान पढ़ा देगा वो जब तक उसकी उतर नहीं जाएगी, 80 रुपए वसूल नहीं हो जाएंगे है जी। हकीकत सच्चाई बता रहा हूं इस कलयुग की भाई साहब, क्योंकि कहते हैं वही बड़ा है जो पीकर नाली में। ताली तो बजा दो एक बार। एक मिनट में मोदी को खरीद लेता है, बोले मेरे घर की सुबह को झाड़ू लगाने आ गए पीने के बाद। है जी बात सही है, बिल्कुल सही है। वही बड़ा है जो पीकर नाली में पड़ा है। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, और इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। आपने आजकल देखा होगा बहन जी, भजन कई कलाकार आते हैं गाने, जरूरी नहीं हम वो वाला भजन गाएं कि मैया आ जाइयो हलवा खा जाइयो तुम अपने घर हम अपने घर है जी। भजन ऐसे भी होने चाहिए जो हमें अपने धर्म के प्रति जागरूक करें है जी। आपने आजकल देखा होगा कि धूप बत्ती के पैकेट पर भगवान शंकर का फोटो छाप दिया, हनुमान जी का छाप दिया, गणेश जी का छाप दिया, वो धूप बत्ती के पैकेट इस्तेमाल होने के बाद कहां जाते हैं? डस्टबिन में, नालियों में, क्योंकि बहन जी कंपनी वाले को धूप बत्ती बेचनी है, भगवान चाहे नाली में जाए चाहे कूड़े में जाए, धूप बत्ती बिकनी चाहिए, उसकी अपना फायदा होना चाहिए। जितने बढ़िया भगवान छाप देगा उतनी जल्दी बिकेगी, खाटू श्याम छाप देगा तो और जल्दी, क्योंकि इस समय उनका जोर चल रहा है। पहले साईं बाबा का चला, भगा भक्त साईं बाबा, अब थोड़ी देर के लिए आराम करने चले गए हैं है जी। सही कह रहा है, क्योंकि हम लोग अपने हाथों से ही अपने धर्म का नाश कर रहे हैं। एक बार ताली बजा दो। आपने आजकल देखा होगा घर में दीपावली का त्योहार होता है, मम्मी कहती है लल्ला जवालो कैलेंडर फटका हुआ है, पापा नौ लेके आंगे ले कुआ पर रखिया। कहते हैं जाको कोना फटका हुआ है, मंदिर में जा और मंदिर में कुआ होगा बाकी ऊपर रखिया। बच्चा गया कुएं पे कैलेंडर रख दिया, हवा चली कैलेंडर नाली में है जी, देखे होंगे कोई वहां पे गड्ढे में थोड़ी जा रहा है, कुएं पर रखते बच्चा भाग गया, हवा चली ओ इधर नाली में आ गया, बोलो सच्चे दरबार की। अब एक तरफ मेरी मैया का कैलेंडर पड़ा है, दूसरी तरफ 10 का नोट पड़ा है, आदमी क्या उठाएगा? क्या उठाएगा? 10 का नोट उठाएगा, 4 बार 5 बार कम से कम माथे से लगाएगा, जेब में सरकाएगा, मैया पड़ी है तो पड़ी रहने दो। क्योंकि भाई साहब इस कलयुग में भगवान से ज्यादा सम्मान गांधी जी का हो गया है जी। मैया पड़ी है तो पड़ी रहने दो। अब मैं बताऊंगा भगवान कैसे बिक रहा है। दीपावली का त्योहार आता है, दुकानें सज जाती हैं, बाजार में जाते हैं, कहते हैं लक्ष्मी मैया कितने की है? बोले 50 रुपए की। कहता है नहीं भाई साहब। बोले गणेश जी? बोले 40 रुपए के। हनुमान जी 20 रुपए के। सरस्वती मैया 10 रुपए की। बोले ऐसा करो घर पर पत्नी नाराज हो जाएगी, पूरा शंकर भगवान का परिवार ही पैक कर दो। बोले 101 रुपए दो सभी को, ले जाओ बजाओ ताली। बिक रहा है कि नहीं? बात गलत तो नहीं है, इस कलयुग में भगवान बिक रहा है।
भगवान बिक तो रहा है, आखिर हमने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर हमारा भगवान क्यों बिक रहा है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। अगर कारण अच्छा लगे तो ताली सुने। कि भूखे इंसान के बच्चों को रोटी मिल जाए त्योहारों में, कि भूखे गरीब के बच्चों को रोटी मिल जाए त्योहारों में, इसीलिए हमारा भगवान जाता है बाजारों में। एक बार ताली बजा। आपने अक्सर देखा होगा चंदूसी कौन कौन रहता है, कोई रहता चंदूसी? आप रहती हैं। जब गणेश चौथ आती है तो कितने गणेश जी आते हैं चंदूसी में, है जी, बहुत आते हैं ना। तो वो कोई टाटा अंबानी के घर से नहीं आते हैं, वो गरीब लोग जो होते हैं वो तैयार कर कर गणेश जी को बेचते हैं, हजारों पेट पलते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की सुने। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। पैसे के लिए बहू रानी को अखबार पढ़ती हो टीवी, आज तक अक्सर आपने देखा होगा पैसे के लिए बहू रानी को, पैसे के लिए बहू रानी को ससुराल चलाने वाला है, अन्याय और अजो मन से भरा। अब अंतिम लाइन है, अगर भजन पसंद आए तो बाद में तालियां। बेटी पैदा हो करके ही माँ बाप जिया जलाएगी, बेटी पैदा होकर के माँ बाप का जिया जलाएगी, लेकिन कुछ हमारी माताएं बहने बैठी हैं मन मन में सोच रही होंगी हमारी काय को जलाएगी, इकलौती है अकेली है, तेरे घर में होंगी पांच छह। बात आपके घर की नहीं है, बात है इस कलयुग की। अगर एक परिवार में पांच कन्या है और छठी भगवान एक और दे दे तो समझ लो बहू की आफत आ गई। सास चढ़ बैठेगी ऊपर, बोले पांच पांच का कमी, छठी मरने तो एक और आएगी, जहां से तो भगवान लौट नहीं दे दे तो बड़े अन्याय कर रहे हो। हमारे हमारी बहू तो एक लोटा सुबह को जल चढ़ा के आती है शंकर जी को, वो लोड़िया पे लोड़िया भरे पड़ो जा घर में। बात आपके घर की नहीं है, ऐसी सासें पड़ी है जो बहू को ताने देती है, बात आपके घर की नहीं है। लेकिन वो सास कभी ये नहीं सोचती जो इंसान के भाग्य होते हैं वो सौ होते हैं, कितने अगर एक भाग्य ठीक होता भाई साहब तो बेटे का जन्म होता है, अगर 100 के 100 भाग्य ठीक होते हैं तो बेटियों का जन्म होता है। एक बार ताली बजा दो, क्योंकि बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से होती हैं, आपको पता होगा। एक बार अपने लिए और ताली बजा दो जी, जितनी भी हमारी बहनें हैं अपने लिए ताली बजा दो। बेटी पैदा हो घर पे ही माँ बाप जिया जलाएगी, बाप जिया जलाएगी, माँ बाप जिया जलाएगी। और इन सारी बातों को देखकर ये मेरा कन्हैया जो है रोने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहता है जिस गौ माता के साथ में मैं खेला,
जिसका मैंने दूध पिया, जिसको चढ़ाने के लिए जंगलों में गया, उसका कलयुग में बताए क्या होगा। और ऐसा हुआ है भाई साहब पिछली सरकारों में। हमारी प्यारी गौ माता जाने का काटी जाएगी, जाने का काटी जाएगी, जाने का काटी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तारीफ का।